एडीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी झारखंड प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसके लिए जिला स्तर पर समीक्षा की जा रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन आंदोलन करेगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए बधाई दी। इसको जो है कल से सबकी समीक्षा भी शुरू होगी सदस्यता अभियान पर, और कोई स्थानीय समस्या हो, स्थानीय सवाल हो, स्थानीय मुद्दा हो, ज्वलंत मुद्दा हो, उन सारे सवालों को इकट्ठा करके हम जो है संघर्ष का और जो है रचनात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए। गुरुवार की रात मारे गए दंपति के परिजनों से मुलाकात करने बीजेपी के नेता पहुंचे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह फेल है, हम सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन से आग्रह किया कि जो भी अपराधी हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि गुरुवार रात को दंपति की अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। सकता हूं कि जब तक उसके तह तक हम लोग नहीं पहुंचते तब तक तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। दो दिन पहले गुमला की घटना, वो भी एक परिवार के, पूरे परिवार को समझिए कि समाप्त कर दी। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में उपाध्यक्ष अशोक साहू ने कुछ लोगों पर उनकी हत्या करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला आदित्यपुर के मंगल सिटी का है, जहां आज एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने जीप उपाध्यक्ष अशोक साहू की कार में टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से कार थोड़ी दूर तक घसीटते हुए सड़क के किनारे खड़ी हो गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हम लोग आ रहे थे, अचानक क्या किया गाड़ी वाला, ट्रक वाला पाए काट करके गाड़ी को, हम लोग गाड़ी को कैप्चर में ले लिया। गाड़ी क्या इंजन घुमा और गाड़ी को घसीटते हुए करीब 20-25 मीटर से लेते हुए आ रहा। हम लोग उसको इशारा कर रहे ब्रेक मारो, लेकिन ये ऊपर वाला गरिमा था कि गाड़ी हम लोग पलटी नहीं हुआ बच गए। इसका मतलब हमको लग रहा कहीं ना कहीं ये गाड़ी वाला किसी से कहीं पैसा लेके मर्डर। और गुमला में कांग्रेस कमेटी का एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आयोजन में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारे लगाए। मौके पर मुरली मनोहर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि कर दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है और उसके दुख दर्द में साथ देते आई है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल गैस सभी चीज़ों के मूल्य बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर दी है, उसके वजह से सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे जनता त्राही त्राही कर रही है। तो उनके मूल्य वृद्धि के खिलाफ में हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी धरना। लातेहार जिले के नामोदाग पंचायत में अंबेडकर युवा संघ ने संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई। इस मौके पर पहुंचे युवा विधायक प्रतिनिधि मिथिलेश पासवान ने कहा कि संत रविदास ने समाज में फैले कुरीतियों को दूर करने का काम किया, इसलिए हमें उनके नेक विचारों को समाज में फैलाने की जरूरत है। वहीं मौके पर संघ के अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर के पोटका हाता प्राचीन गुरुकुल आश्रम में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में 401 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया, जिसमें कन्याओं ने चाईबासा स्थित
पुलिया से जल भरकर आश्रम लाया, जहां कलश की स्थापना कर अनुष्ठान का विधिवत आरंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। अनुष्ठान का पंचम वर्षीय महाविष्णु यज्ञ अखंड हरिनाम शुरू है। ये हमारे इस संस्था के प्राचीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन बाबा जी ने शुरू किया था, जो आज कोरोना महामारी रहते हुए भी हम लोग दुखी थे। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहें हमारे साथ, नमस्कार।